बुलडोजर कार्रवाई से कहा जा सकता है। ठीक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है, ठीक उसी तरह पर एकनाथ शिंदे की सरकार भी यहाँ पर जो है वो काम करती हुई दिख रही है। जैसा कि आपको पता है, जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के रूल्स और लॉज और कस्टम्स और लोकल किसी चीज की इज्जत नहीं करते। बात कान खोल के सुन लो, हिंदू ने पूरी सेक्युलरिज्म का बोझ अब उठाना बंद कर दिया, इनके ऊपर अब सख्तियां आनी ही आनी है। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, और वहां पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये वो जज्बा है जिसकी वजह से आज ये कौम इतनी पुरअज़म है, इतनी यकजा है। केड़ी जंग जीती है भी जरा दस, अज दसना जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग, तुसी बकरी होके नठे हो, 65 की जंग, आप बकरी, आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी। भारत की सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं पड़ी थी जब वहां पे मंदिर टूट के मस्जिद बना था, और इतने सालों से किसी ने, आपने कौन से ऐसे देश में देखा है? मैं आपको अभी और एक्सपोज करूंगा बंदों को जिन्होंने शादियां ने बजाए हैं, जिन्होंने सेलिब्रेट कराया जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया। वीडियो देखा, पाकिस्तानी पत्रकारों का रिएक्शन है, जो मुंबई में जो मुस्लिमों ने अटैक किया था, जो आपको पता होगा 21 तारीख के दिन हुआ था ये अटैक, और उसके बाद 22 को जो चीज़ें हुई आपको सब कुछ पता है, तो उसको लेकर JCB में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, बात करते हैं फिर। इसी से पता चलता है कि ये जिधर भी जाते हैं, देखना बचपन से इनको, बचपन से सिखाया जाता है कि हमने गोरों के लॉज रूल, हमने इनकी इज्जत नहीं करनी, तभी यही बच्चे बड़े होते हैं और वही उन्हीं मुल्कों के लॉज और रूल्स की इज्जत नहीं करते, इसी वजह से जेलों में जाते हैं। यहाँ पे अब हिंदू बच्चे भी हैं, यहाँ पे सिख बच्चे भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे भी हैं, आई एम श्योर वहां पे चाइनीज बच्चे भी होंगे। किसी ने नहीं शोर मचाया कि हमने भी ये करना है जी, हमने अपना झंडा कम्युनिज्म का झंडा लहराना है, या हमने वहां पे कुछ करना, कोई कुछ नहीं कहता। एक ही कौम है, हर जगह पे यही लोग हैं, इतनी इनके अंदर, इतनी इनके अंदर भू घुसी हुई, फिर इट कम्स फ्रॉम देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी, अपने मजहब की वजह से आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब इनकी बदमाशी जो है वो अब खत्म हो रही है, अब इतनी आगे ये चल नहीं सकती, ये जितनी देर ये पंगा करते रहेंगे, जितनी देर ये बदमाशियां करते रहेंगे, उतना ही जो गोरे हैं, अभी तक तो वो मल्टी कल्चरलिज्म के नाम पे, नहीं नहीं सारे प्यारे लोग, चलो कोई बात नहीं, मिलजुल के रहते हैं सारे, वो जो उनको, उनकी जो लेफ्ट ने जो उनका दिमाग खराब किया हुआ था, वो अभी तक तो गोरे उसके अंदर मुबतला थे, लेकिन अब ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अब ये जितना पुतरे जाते हैं वो पंजाबी जगह पुतर गया है, तो ये मुस्लिम उम्मा जो है ये उतनी पुतरी भी है। इन्होंने पहले डराया उनको, ये प्रो हमास जो इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, बहुत सारे लोग डर गए हैं। आप देख लें पूरी दुनिया में राइट, पूरे यूरोप में राइट विंग की वेव आई हुई है, और ये वेव जो है ये बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मोमनों के कारनामे ऐसे, मोमनों की हरकतें ऐसी हैं। अब देखो स्कूलों में, अभी कुछ हफ्ता पहले स्कूल बंद करवा दिया, अब ये पूरे पूरे ब्रिटेन की नेशनल न्यूज बनी हुई है, हर जगह पर वो फटा चल रहा है, तो ये बाजी आएंगे और इनके ऊपर अब सख्तियां आनी ही आनी है। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होंगी, लेकिन रेडिकल लॉज उनको लाने पड़ेंगे जो एक्सट्रीमिज्म करेंगे। जारी बात है ये बड़े चलाक है, मोस्टली पाकिस्तानी है वहां पे ब्रिटेन में, तो जब उनको देखा जाएगा, अगर उनकी सिटीजनशिप कैंसिल भी करनी होगी तो उनकी पाकिस्तान की सिटीजनशिप उनको पाकिस्तान लेगा या नहीं लेगा। सबसे पहले मैं राम मंदिर के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगी कि राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया, वहां पर जो उनकी मजहबी रसूमात हैं वो चल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में उसके ऊपर काफी वबेला मचाया जा रहा है, खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चल रही हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शाज़िया, मैं राम मंदिर को कई लेंस से देख रहा हूँ, कई डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ, बहसीत मुसलमान देख रहा हूँ, बहसीत एक सब कॉन्टिनेंट का शहरी देख रहा हूँ, बहसीत एक लॉ स्टूडेंट सीख रहा हूँ, मुख्तलिफ नजरों से उसको देख रहा हूँ, और मैं इसी बेस पे, इसी तनाजर से, जो एंगल जिससे मैं देख रहा हूँ उसी तरह उसको पेश करने की कोशिश करूंगा। अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, बाबरी मस्जिद जो कि बाबर के नाम से बनी थी, तो बाबर कब आए थे यहाँ पे? 15वीं सदी में उनका 1524-25 के करीब उन्होंने 1528 के अंदर ये बाबरी मस्जिद का उन्हें ख्याल आया, तो उन्होंने मस्जिद बनाया। अब जब देखा जाए तो बाबर और ये मुगल और जो रूलर थे ये कौन थे, हम कौन है, हमारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है? मेरी नजर में वो सारे लूटर थे,
लूटने आते थे, कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को या तो जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिया, कुछ किया जिस तरह भी उन्होंने प्रमोट किया, इस्लाम को नहीं किया, ये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वो लूटर थे, इन्वेडर थे यहाँ पे, ये बात माननी होगी, ये आपको बात इस चीज का कन्फेशन करना होगा। आप अपना मसाइल बना के उसका नाम गौरी रखते हैं तो वहां से भाई काबुल से वो कह देते हैं अपना नाम चेंज कर लो, ये हमारा नाम है, गौरी मुगल अफगानी था। तो यहां तक तो बात पहले आ चुकी है, अब इससे आगे चलते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू गूगल, ये मुस्तनद बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहां पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया, ठीक। अब फॉरेन इन्वेडर्स ने इसका फायदा किस चीज से, बहुत थोड़ी तादाद में आते थे, यहां बहुत बड़ा भारत था जिसके ऊपर वो हमले करके लूटते भी थे, बल्कि हमारे उर्दू में और हिंदी के अंदर एक लफ्ज है, कहते दिल्ली लूटी गई। कौन लूटते थे? पठान भाई लूटते थे आके, ये कोई ये ढकी छुपी बात नहीं, सारा कुछ उठा के यहां से काबुल ले जाते थे, बल्कि यहां तक के बचियां तक उठा के ले जाते थे। तो किया उन्होंने। अब 1528 में बाबर साहब ने बाबरी मस्जिद बनाई, लेकिन दूसरी तरफ से हिंदू कहते हैं कि वहां पे 9000 साल पहले राम की जन्मभूमि है, वहां पे उनका। अब मैं इसी तनाजर से यह बताऊंगा कि आपने ना सिर्फ यहाँ पे 60,000 मंदिर तोड़ के बनाए, अभी रिसेंट मिसाल दूंगा इस्तांबुल के अंदर, पहले आपने वो हागिया सोफिया, कभी आप उसको चर्च को, कभी आप उसको म्यूजियम बनाते हैं, आजकल तो मस्जिद बना दी आपने। तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका आपके साथ कितनी जगह की है उन्होंने, उन्होंने आपके साथ क्या कुछ कर रहे हैं आपके साथ, उनके वो कहां तक पहुंचे हैं? कुछ नहीं किया उन्होंने, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। और उसके बाद मैं ये लेंस तो बता दिया मजहबी आपको, मैं दूसरा लेंस बताना चाहूंगा एज ए लॉ स्टूडेंट कि उसका लेंस क्या है। हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद में ये केस हुआ, वहां से वो अपना केस जीते, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, 90,000 डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया उन्होंने 8 जबानों के अंदर कि वो क्या है, वहां पे आदर राम का मंत्र था, इसको क्या करना और चाहिए? बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक 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 वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद, और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेंपल है ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब कहा ये जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशियस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर, इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा जी मासा, मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए, मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है, $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर, और उस बल्कि इस पर बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22nd 22 जनवरी 2024 को इस अ लैंडमार्क डे, इस अ न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इस अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने, राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी। आगे चलते हैं कि अयोध्या के अंदर वहां पे एक बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, $140 मिलियन उसमें लग रहे हैं, 7000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है, 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे।
वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आज के मैं आज सुबह आपके सेगमेंट से पहले ये सुन रहा था कि वहां पे एक जा रहे थे आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेंपल के इमेजेस जारी किए गए हैं कि स्पेस से राम मंदिर कैसा नजर आता है। इससे पहले दीवारें चीन के जो इमेजेस हैं वो भी इसी तरीके से स्पेस से नजर आते हैं, दिखाई जाते हैं, तस्वीरें शेयर करवाई जाती हैं कि दीवारें चीन नजर आ रही है वहां से। और इसके अलावा मक्का और काबा के जो हैं वो भी इमेजेस इसी तरीके से वायरल होते रहे हैं कि स्पेस से ये कैसे नजर आते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो वहां पर चांद पर जब कोई उतरा था तो उसने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने जो आवाज सुनी थी उसने कहा था मैंने अजान की आवाज सुनी है वहां पर चांद पर। तो पता नहीं वहां पे अजान कौन दे रहा था। अच्छा, अजान से अब ये याद आया कि जैद हामिद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब, बल्कि उन्होंने एक शेयर करवाई हुई है किसी की वीडियो या कुछ ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे ये कह रहे कि जैद हामिद ने ये कहा है कि ईरान को गजा बनाकर दम लेंगे हम। अंदाजा करें, आप जरा सोचें कि ये जो स्टेटमेंट है इसका स्पेक्ट्रम कितना वास्ट है, कहां कहां तक फैला हुआ। एक तो आप ये कह रहे हैं कि गजा को जो है ढेर बनाया गया, तो हम ईरान को ये बनाएंगे, तो आप खुश हो रहे हैं कि गजा के साथ ये किया गया, आप इसलिए कह रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या पिद्दी का शोरबा पाएं, तुसी की ईरान दे नाल करना है, तुसी ठहर जाओ दो मिनट, ना करें आप इस तरह की बातें ना करें। ज्यादा हामिद साहब, इसकी वजह यह है कि ना पैसे हैं लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए उस वक्त जंग लड़ी जाती है जब पैसा होता है, जब लोग आपके साथ होते हैं, जब दुनिया आपके साथ होती है, ना दुनिया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से वीडियो में बात हो रही है। बात करते हैं मुंबई मीरा रोड इंसिडेंट पर। मुंबई मीरा रोड इंसिडेंट, वहाँ पर निकल रही थी शोभा यात्रा या एक राम भक्तों का सेलिब्रेशन। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखे जिसमें सीरियसली मैं कई जगह ऐसा देख रहा हूँ कि यार कुछ जो हिंदू राम भक्त हैं, डेफिनेटली हम सब राम भक्त हैं, उसमें कई लोग कुछ असामाजिक तत्व हैं जो प्रवोक करते हैं। आप समझे ना समझे, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आइदर वो चीज़ अगर कोई मुस्लिम भी करे ना तो वो भी गलत है, और हिंदू भी करे तो वो भी गलत है। चलो आप यात्रा निकालो, अच्छी बात है, बट मैंने अब मुझे नहीं पता कि यार दोनों साइड के मैंने वीडियो अभी देखे नहीं है, अब पता नहीं पहले किसने किया, बट अगर कोई ऐसा करता तो डेफिनेटली ये चीज़ बंद होनी चाहिए। भैया मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, ऑब्वियसली हमारा राम मंदिर बन गया, हम चाहते हमारी मथुरा में भी जो हमारे मंदिर को डिस्ट्रॉय करके आधा हिस्सा कब्जा किया हुआ है वो भी पूरा हमें मिले, मस्जिद को भी कहीं पर स्पेस मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद भी बने। काशी में तो आपको पता है सारे सबूत मिल गए, पता नहीं इनमें कितना टाइम लगेगा, हमारा यहां राम मंदिर बन गया है। अब मुसलमान अगर ये कहते हैं कि यहां पर बाबरी मस्जिद थी, यहां पर पहले कोई राम मंदिर नहीं था, तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ, जाहिल, गवार और कुछ नहीं है, ठीक है, इससे बड़े कुछ नहीं है। बट अगर आप अपनी शोभा यात्रा निकालते हो, आप अपना सब कुछ करते हो, तो आप उनको प्रवोक मत करो। मतलब अगर वो वहां पर खड़े हैं तो उनके सामने मतलब ऐसे उल्टे सुलटे नारे ना लगाओ कि मतलब कुछ भी आ रहा है, ऐसी चीजें मत बोलो। मतलब अब जय श्री राम का नारा लगा सकते हो, बट ऐसे उल्टे सीधे नारे मत लगाओ जिनसे उनको हर्ट हो। ऑब्वियसली अगर हम खड़े हैं और हमारे सामने फिर वो ऐसे उल्टे सीधे नारे लगाएं तो फिर हमें हर्ट होगा। और आप सोशल मीडिया के ज़माने में यार कमेंट में आप देखो, वो हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं, हम उनके भगवान को गाली दे रहे हैं। ये चीज़ें मैं देख के ऊब चुका हूँ, पक गया हूँ यार। मतलब सीरियसली यार, इतना मैं तो इनको देखते से ही मैं इनको जाता नहीं हूँ, ब्लड बॉयल होता है। इतना मैं भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यार, ये वो गाली देगा, ये वो गाली देगा, फिर बस ये गाली चलती रहेगी। मतलब सीरियसली, तो मतलब कुल मिला के आप अगर उनके ईस्ट को गाली दोगे तो आप अपने ईस्ट की गाली ही दे रहे हो, वो पलट के आपको देगा। तो ये चीज़ें सीरियसली मेरे हिसाब से, चाहे ये वीडियो मुसलमान देख रहा है या हिंदू देख रहा है, ये बंद करो यार, मत दो। और जिन जो बेवकूफ़ ये चीज़ करते हैं तो वो चैन रिएक्शन होता है, फिर इसको देख के 10 लोग और करते हैं, 10 लोग देखेंगे, ऑब्वियसली तो यही चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो जो भी अब एक्शन लिया, अवैध अतिक्रमण पर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, एक्शन होना चाहिए। जो असामाजिक तत्व हैं चाहे वो कोई भी हो, इन पर एक्शन होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए। और हमारा भव्य राम मंदिर बन गया, आप कब जा रहे हो दर्शन में कॉमेंट में बताएं। जय श्री राम, इतनी
प्यारी प्रतिमा है, अब उस प्रतिमा को लेके भी मैंने देखा कई मुसलमान कमेंट कर रहे हैं। अब बताओ यार, अब उसको लेके जो है ना पैगंबर मोहम्मद साहब के लेके कि तुम्हारे तो उनकी मूर्ति नहीं है वो, मतलब आप समझ रहे हो ना, इसका रिप्लाई वो उसका रिप्लाई यही चीज़ चलती रहती सोशल मीडिया पर। इसको कैसे रोकें हम, ये बताइए कैसे रोकें। सीरियसली मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ, मैं ये चीज़ें देखता भी नहीं हूँ यार, बहुत इरीटेट।